इसलिए कई बार चर्चा होती है कि नीतीश कुमार मध्यावधि चुनाव भी करवा सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में ही करवा सकते हैं। डर से, डर से कि प्रशांत किशोर की पार्टी को इतना मतलब फलने फूलने का मौका नहीं मिले। तो अब जनता को भी एक थोड़ा ये लग रहा है कि कोई ऑप्शन चाहिए, कोई नया विकल्प आना चाहिए। जैसे दिल्ली में बहुत दिन तक भाजपा कांग्रेस रहा, तो अंत में लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया। आपको कोई भी इल्जाम लगाना चाहिए तो पुख्ता सबूत के साथ लगाना चाहिए, हवा में तो कुछ नहीं बोला कहा जा सकता है। इसलिए हवा में मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूँ, या इनका कोई सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं, उस वजह से मैं प्रशांत किशोर को पलटू राम से बहुत बेहतर मानता हूं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जितनी भी पार्टी हैं हुंकार भर रही है, लेकिन आपको हम बता दें कि बिहार के पॉलिटिक्स में जाति का शुरू से ही एक बड़ा महत्व रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि आरजेडी के पास एक बैकग्राउंड है MY समीकरण का, वहीं JDU की बात करें तो JDU के पास लवकुश समीकरण है। लेकिन हम बात करें एक नए दल जो कि लॉन्च होने वाली है 2 अक्टूबर को, मैं बात कर रही हूँ जनसुराज पार्टी जो कि अभी लॉन्च होगी 2 अक्टूबर को, जिनके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। इस पूरे मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पूर्व IPS अमिताभ दास जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे, विधानसभा चुनाव आने वाली है, एक रणनीतिकार प्रशांत किशोर उभर कर सामने आ रहे हैं। देखिए बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं वो नवंबर 2025 में प्रस्तावित हैं, लगभग है अभी 15-16 महीने हैं, और उसके पहले एक बड़ा मतलब सियासी आप धमाका कह सकती हैं होने वाला है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को, क्योंकि उस दिन जो आपने कहा प्रशांत किशोर वो जन स्वराज को जो अब तक एक अभियान था उसको एक राजनीतिक दल के रूप में लॉन्च कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में दर्शक जानते होंगे, ये पहले चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे और कई पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया। कई राज्यों में इनका दावा है कि इन्होंने सरकार बनाई, बंगाल में कहते हैं कि ममता बनर्जी की मैंने सरकार बनवाई, आंध्र में कहते हैं कि मैंने जगन मोहन रेड्डी की सरकार बनवाई, कई राज्यों में इनका दावा है। और 2 साल पहले इन्होंने कहा कि अब मैं चुनावी रणनीतिकार का काम नहीं करूँगा। उसके बाद लगभग 2 साल पहले इन्होंने पदयात्रा शुरू की बिहार में, और अब तक ये हज़ारों गांव घूम चुके हैं जन स्वराज के ही नारे में, और 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी लॉन्च होगी। तो इनकी पार्टी जो लॉन्च होने जा रही है उससे सभी पार्टियों को एक तरह का मतलब टेंशन हो गया है, बाकी जो टेंशन हो गया है जी हो गया। अब जैसे इन्होंने ऐलान किया कि मैं 75 मुसलमानों को जन स्वराज खड़ा करेगा। प्रशांत किशोर ने पहला ऐलान किया है कि बिहार की सब की सब 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 242 भी नहीं 243, और उसमें से 75 मुसलमानों को ये टिकट देंगे। तो इस पर राजद वालों को तनाव हो गया है, क्योंकि अब मुसलमानों की बात तो राजद किया करते थे MY समीकरण, और अब ये जाति बात, इसलिए तो तनाव हो गया है कि मुसलमानों का वोट ले जाएंगे तो हमको कौन देगा। तो MY समीकरण अब तक राजद का था, मुस्लिम यादव समीकरण, लगभग 30-35 साल से राजद का वही समीकरण रहा है जी। तो उसके बाद जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने एक कार्यकर्ताओं को पत्र भी लिखा कुछ दिनों पहले कि प्रशांत किशोर की पार्टी में नहीं शामिल हों, जन स्वराज में नहीं शामिल हों, तो उससे कहीं ना कहीं पता चला कि पार्टी थोड़ा टेंशन में आ गई है। और सभी पार्टी, और पिछले कुछ दिनों से एक नई बात आई है कि बहुत सारे लोग जो मतलब रिटायर्ड IAS हैं, IPS हैं, या बाकी लोग भी हैं जिनकी मतलब एक पहचान है, वो लोग इसमें तेज़ी से शामिल हो रहे हैं। जैसे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर थे, उनकी पोती है जागृति ठाकुर, वो जन स्वराज में चली गई। आनंद मिश्रा एक पूर्व IPS हैं असम कैडर के, वो जन स्वराज में चले गए। ऐसे ही आपको मुनाजिर हसन बिहार सरकार में मंत्री थे, सांसद रहे, वो जन स्वराज में चले गए। और आने वाले समय में और भी लगता है लोग जाएंगे। और जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम लोग 1 करोड़ इसके सदस्य बनाएंगे और लगभग 1 लाख पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, तो एक तरह से मतलब खलबली मची हुई है सभी दलों में। तो ये देखना है कि अब चुनाव में क्या ये धमाका करते हैं, लेकिन अभी तो इन्होंने सभी दलों को टेंशन में डाल दिया है। टेंशन में डाल दिया है तो क्या नीतीश कुमार, हालांकि साफ तौर पे तो कोई भी नहीं बताएगा कि डरा हुआ है, BJP हो जितने भी बड़े दल है साफ तौर पे तो बताएंगे नहीं, लेकिन अंदरूनी तरीके से डर है नीतीश कुमार के मन में, क्या प्रशांत किशोर को लेकर बातें चल रही है? बिल्कुल चल रही है, इसलिए कई बार चर्चा होती है कि नीतीश कुमार मध्यावधि चुनाव भी करवा सकते हैं अक्टूबर नवम्बर में ही करवा सकते हैं। डर से कि प्रशांत किशोर की पार्टी को इतना मतलब फलने फूलने का मौका नहीं मिले,
क्योंकि अगले साल नवंबर तक यदि चुनाव का इंतजार होगा तब तो प्रशांत किशोर और ज्यादा मजबूत कर लेंगे पार्टी को, उनसे निपटना और कठिन हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में इनकी पकड़ है, एक अच्छे रणनीतिकार है। और जिस तरीके से ये बोलते हैं कि सीएम और पीएम मैं बनाता हूं, तो जब इनका मौका आया है तो लगता है ये बन पाएंगे। बिल्कुल, इनके साथ देखिए कई प्लस पॉइंट्स हैं। और ऐसे तो प्रशांत किशोर जाति के ब्राह्मण हैं, और कुछ लोगों का कहना है, विश्लेषकों का, कि बिहार में अभी जो राजनीति है उसमें ब्राह्मण की दाल नहीं गलेगी। लेकिन देखिए ये बहुत सिंप्लीफाई करना हुआ, इनके साथ कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। एक तो ये इतने दिनों से पदयात्रा करें, अब तक हज़ारों गाँव में जा चुके हैं, तो मेहनत इन्होंने बहुत की है, इससे इनकार नहीं कर सकता है कोई। इनका आलोचक भी मानेगा कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, और बिहार के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसी सघन पदयात्रा की हो हज़ारों हज़ार गाँव जाने की। एक तो ये बात हुई, दूसरी बात कि इनके बिहार के नब्ज पर इनका हाथ है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार हैं तो ये नब्ज़ जानते हैं। खुद ये जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं नीतीश की पार्टी के, तो पलटू राम की भी बहुत सारी बातें जानते हैं। एक और इनके साथ प्लस पॉइंट है कि आर्थिक रूप से बहुत मतलब सुदृढ़ हैं, है ना, कहते हैं ना कि अर्थ के बिना सब अनर्थ है। तो इनके पास जो ये फंडिंग है, अब जहाँ से भी आ रही है उसका स्रोत मैं नहीं जानता, लेकिन फंडिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह से इनका खर्च देखने को मिल रहा है पदयात्रा के दौरान। और जो भारतीय राजनीति है उसमें धनबल तो एक बड़ी भूमिका अदा करती ही है, जैसे बाहुबल है उसी तरह धनबल भी है। तो ये सब, और एक ये भी बात है कि देखिए पिछले लगभग 35 साल से जो बिहार की राजनीति है वो लालू नीतीश के चारों ओर घूम रही है ना। तो अब जनता को भी एक थोड़ा ये लग रहा है कि कोई ऑप्शन चाहिए, कोई नया विकल्प आना चाहिए। जैसे दिल्ली में बहुत दिन तक भाजपा कांग्रेस रहा, तो अंत में लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया। या पंजाब में बहुत दिन अकाली कांग्रेस रहा, तो लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। तो लोग भी थोड़ा थक चुके हैं, लोगों को लगता है कि अब किसी नए को मौका देना चाहिए। तो वो भी इनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि लोगों को जनसुराज में एक ताज़ा हवा का झोंका दिखाई दे रहा है। तो ये सब बातें इनके पक्ष में जाएंगी। जी, लोग तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर में अरविंद केजरीवाल की छवि दिखाई दे रही है। जी, ये बहुत कॉमन तुलना है कि जैसे अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और अन्ना आंदोलन की उपज थे, और उन्होंने आम आदमी हजारे की भी कहीं ना कहीं छवि दिखाई दे रही है और अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो सब ये है, अन्ना हजारे इसलिए छवि दिखाई दे रही है कि उन्होंने भी एक जन आंदोलन किया था, जैसे इनकी पदयात्रा है। अरविंद केजरीवाल से लोगों को लग रहा है कि उन्होंने एक नया विकल्प पेश किया जिसकी वजह से उनको सफलता मिली। तो मतलब एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर बिहार की राजनीति आके खड़ी हो गई है। और जिस तरह भी उन्होंने डोमिसाइल नीति का भी समर्थन किया है प्रशांत किशोर ने, उससे भी लग रहा है कि बहुत सारे युवाओं को ये जोड़ने में कामयाब होंगे। तो देखना है कि अब ये क्या होता है। लेकिन सर, राजनीति में लोग आते हैं, या तो कई लोग आने से पहले ही दागी होते हैं, दागी, और कई लोग राजनीति में आने के बाद दागी हो जाते हैं। तो लगता है जिस तरीके से अभी आपने बोला कि इनकी जो इकोनॉमिक वेल्थ है, काफ़ी बैकग्राउंड स्ट्रांग है वो, तो ये पैसे की फंडिंग कहीं से भी आ रही हो, तो लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ भी कुछ ऐसा मामला है। एक रणनीतिकार है, राजनीति में कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ है, सब पार्टी के सब दल के साथ कहीं ना कहीं ये काम कर चुके हैं। देखिए प्रशांत किशोर से जब भी ये सवाल किया जाता है कि आपकी फंडिंग कहाँ होती है, इतना पैसा कहाँ से आता है, तो उनका सीधा जवाब होता है कि भाई मैंने इतनी पार्टियों को चुनाव जिताया है, लोगों की सरकार बनाई है, तो रणनीतिकार के रूप में मैं एक तरह से अपनी फीस लेता था। अब इस बात में कहीं ना कहीं दम भी है, यदि किसी पार्टी की आप सरकार बनवा दें तो वो आपको कुछ करोड़ रुपया देने में से कोई दिक्कत नहीं है, उसे ज़्यादा भी दे सकता है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो सभी बेचैन रहते थे। इसमें कुछ दम भी है, और जो आलोचक हैं वो तो कहेंगे ही कि नहीं, आपका संदिग्ध है, फंडिंग का सोर्स ये है वो है। लेकिन आपको कोई भी इल्ज़ाम लगाना चाहिए तो पुख्ता सबूत के साथ लगाना चाहिए, हवा में तो कुछ नहीं बोला कहा जा सकता है, इसलिए हवा में मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूँ। जी, अगर ग्रेडिंग की बात करें, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ग्रेडिंग की बात करें तो प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में ज़्यादा ग्रेडिंग किसको देंगे और क्यों, स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट के साथ? पलटू राम से हज़ार गुना बेटर हैं प्रशांत किशोर, मैं तो यही मानता हूँ। पलटू राम की जिस तरह से अपराधियों के साथ उठा बैठक है, या पलटू राम जिस तरह से खुल्लम खुल्ला जात पात की राजनीति करते हैं, लवकुश समीकरण, कुर्मी, और जिस तरह से इनका है, पलटू राम माफिया की गोद में खेलते हैं या इनका कोई सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं, उस वजह से मैं प्रशांत किशोर को पलटू राम से बहुत बेहतर मानता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च होने वाली है 2 अक्टूबर को। एक अच्छे रणनीतिकार भी माने जाते हैं और राजनीतिक में एक अच्छी पहचान और साथ ही साथ एक अच्छी पकड़ भी है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जनता के बीच में काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, इस बात
ये बात साफ तौर पे दावा करती है कि प्रशांत किशोर जनता को समझते हैं और जनता के बीच में जाते हैं तो बिल्कुल घुले मिले नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।